इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसी बड़ी खबर पर आज आप देखेंगे 5:10 पर इंडिया टीवी पर हमारा शो मुकाबला। आज भारत की बेटी चांद पर जाने का हौसला रखती है। दो हफ्ते पहले 15 अगस्त को पीएम मोदी ने सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए, लेकिन लगता है कि जमीयत अभी सदियों पुरानी सोच से निकल नहीं पाया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब जमीयत पर अटैक भी किया। चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता, और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।